आईपीएल 2024 दुनिया का सबसे बड़ा लिकर किंग विजय माल्या नहीं तो कौन है अब आरसीबी का ओनर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी आरसीबी ने महिला प्रीमियर लीग में आखिरकार अपने नाम का डंका बजाया। आरसीबी फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीत गई। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने महिला प्रीमियर लीग 2024 में कमाल कर दिया। उन्होंने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर कमाल कर दिया। फ्रेंचाइजी की पिछले 16 साल में यह पहली ट्रॉफी है। फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी आरसीबी के सामने पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। दिल्ली सिर्फ 113 रन पर ऑल आउट हो गई। आरसीबी ने 114 रन का टारगेट 19.3 ओवर में 8 विकेट रहते चेज कर लिया। हालांकि टीम आरसीबी को अब भी आईपीएल में अपनी पहली ट्रॉफी का इंतजार है। आरसीबी के पहले ओनर किंगफिशर के मालिक विज माल्या और यूनाइटेड स्पिरिट्स थे। हालांकि 2016 में माल्या आरसीबी के ओनर नहीं रहे थे। अब सवाल उठता है कि इन दिनों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का ओनर कौन है? कौन है अब आरसीबी का ओनर? भारतीय शराब कारोबारी और यूनाइटेड स्पिरिट्स के पूर्व अध्यक्ष विजय माल्या ने 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के उद्घाटन सत्र से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी फ्रेंचाइजी को खरीदा था। माल्या ने बैंगलोर फ्रेंचाइजी को 111.6 मिलियन डॉलर में खरीदा, जो दूसरी सबसे ऊंची बोली थी। कौन है अब आरसीबी का ओनर? भारतीय शराब कारोबारी और यूनाइटेड स्पिरिट्स के पूर्व अध्यक्ष विजय माल्या ने 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के उद्घाटन सत्र से पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी फ्रेंचाइजी को खरीदा था। माल्या ने बैंगलोर फ्रेंचाइजी को 111.6 मिलियन डॉलर में खरीदा, जो दूसरी सबसे ऊंची बोली थी। यहां बताना जरूरी है कि यूनाइटेड स्पिरिट्स यूके बेस्ड बिजनेस ग्रुप डियाजियो पीएलएससी का हिस्सा है। हालांकि माल्या अब आरसीबी फ्रेंचाइजी के मालिक नहीं है। उन्होंने 2016 में आरसीएसपीएल के निदेशक के रूप में पद छोड़ दिया था। विजय माल्या का बाहर निकलना तब हुआ जब यह बताया गया कि उन पर 17 भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ बकाया है, जिसके कारण वह भारत से भाग गए और लंदन में अपने घर रहते हैं। आईपीएल 2024 के लिए तैयार विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली लंबे समय से खेल से दूर चल रहे थे। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टेस्ट सीरीज से भी अपना नाम वापस ले लिया था।